गणेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को टाल दिया गया है और 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 4 मई से ये परीक्षाएं शुरू होने जा रही थी, लेकिन देश भर में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण बैठक, और उसमें यह फैसला लिया गया है कि सीबीएसई जो 12वीं की परीक्षाएं हैं उनको टाला गया है, पोस्टपोन किया गया है, और वहीं 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं। अगली तारीख का ऐलान जल्द संभव है, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और छात्र इंतजार कर रहे थे, साथ ही तमाम अभिभावक ये मांग कर रहे थे परीक्षाओं को टाला जाए, रद्द किया जाए। इस खबर पर कुंदन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुंदन, ये बहुत बड़ा फैसला है छात्रों के लिए, 12वीं की परीक्षाओं को आगे बढ़ाया गया है और 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। कुंदन, बिल्कुल 3 खबरें मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि जो 4 मई से लेकर 14 जून के बीच में 10वीं 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाएं होनी थी वो अब नहीं होंगी। और अगर 12वीं की बात करें तो 12वीं की परीक्षा 1 जून को सरकार एक बार फिर से असेसमेंट मीटिंग करेगी, और अगर लगा कि हालात ठीक हैं तो 15 दिन के बाद यानी जब भी नई तिथि अनाउंस की जाएगी उसमें 15 दिन का तारीख रखा जाएगा तैयारियों के लिए और बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए। वो तब तय किया जाएगा कि क्या परीक्षाएं कराई जाए, करानी है तो कब कराई जाए। दूसरी बात, जहां तक 10वीं का सवाल है, 10वीं की अब परीक्षाएं नहीं होगी, सरकार सीबीएसई ने साफ कर दिया है। और अब मार्किंग का सवाल है, वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बोल के सीबीएसई बोर्ड एक नया फार्मूला डेवलप करेगा। इस नए फार्मूले के तहत बच्चों की मार्किंग कर दी जाएगी। अगर किसी बच्चा को लगता है कि वो ज़्यादा डिजर्व करता था, उसे ज़्यादा मार्क्स आनी चाहिए, तो उसके लिए एक और विकल्प दिया जाएगा। जब हालात सामान्य हो जाएंगे और उस एग्ज़ाम में वो अपीयर करके वो एक बार फिर से एग्ज़ाम दे सकता है और अपनी जो भी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के मुताबिक मार्क्स ले सकता है। तो कुल मिलाकर जो लगातार राज्यों के कंसर्न थे उसको देखते हुए सीबीएसई ने बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है जो कि मई में होने वाली थी। जी कुंदन, एक बार क्योंकि 10वीं के जितने भी छात्र हैं इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, तो किस आधार पर आगे उनको प्रमोट किया जाएगा एक बार फिर से क्लियर कीजिए। देखिए, 10वीं की परीक्षा जो कि बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करता है वो मई में होने वाली थी, 4 मई से लेकर जून के बीच में वो अब परीक्षाएं नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का नाम दिया गया है, वो क्राइटेरिया होगा आपके प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, और स्कूल के द्वारा जो आपके पूरा प्रीवियस मार्क्स होता है उस फार्मूले के तहत एक ऑब्जेक्टिव बना के बच्चों की रैंकिंग दी जाएगी, बच्चों की मार्किंग की जाएगी, और उस मार्किंग के आधार पर बच्चों को 11वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि जो मार्किंग इस नए तरीके से दी गई है उससे बच्चा ज़्यादा डिजर्व करता था या उसके मन मुताबिक नहीं है, सो उसको एक बार फिर से एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। लेकिन ये एग्ज़ाम कब होगा वो सिचुएशन पर डिपेंड करता, हालात पर डिपेंड करता है, और इसके बाद उसकी तारीख प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। जहां तक 12वीं का सवाल है, 12वीं की परीक्षाएं सरकार ने रद्द नहीं की है, पोस्टपोन की है। 12वीं की परीक्षा कराई जाएगी 1 जून को। एक बार फिर से सीबीएसई केंद्र सरकार और तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठेगी, हालात का जायजा लेगी और इसके बाद नए तारीखों की घोषणा की जाएगी। नए तारीखों की घोषणा करने से पहले कम से कम 15 से 20 दिन का वक्त स्टूडेंट्स को दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। तो मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि सरकार इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 10वीं के बच्चों को प्रमोट कर देगी, 12वीं का फिर से एग्जाम कराया जाएगा। कुंदन, एक मिनट आप हमारे साथ बने रहें। तो ये 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। न्यूज 24 यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता है कि जो 10वीं की परीक्षा है बोर्ड की वो कैंसिल कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं, यानी कि 10वीं बोर्ड परीक्षाओं का एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन जो 12वीं की परीक्षाएं हैं बोर्ड की उनकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, जो कि जल्द हो सकता है नई तारीख का ऐलान। और 10वीं की जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं वो छात्र आगे कैसे पहुंचेंगे, इसी के बारे में डिटेल से कुंदन सिंह आपको बता रहे हैं। जी कुंदन, ओवर टू यू। देखिए, 12वीं के एग्जाम पोस्टपोन किए गए हैं, 12वीं के एग्जाम को की तारीखों को लेके 1 जून को सरकार फिर बैठेगी
और 1 जून के हालात पर चर्चा करेगी। सरकार का मानना है कि 1 जून के बाद तक क्या स्थिति रहती है कोविड की, क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ज़्यादा सेंटर लेके बच्चों के एग्जाम्स कराए जा सकते हैं, या बीते साल की तरह जो मुख्य एग्जामिनेशन से मुख्य जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका ले लिया जाए, बाकी सब्जेक्ट्स को जो कि लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें लैंग्वेज होता है, बहुत सारा सोशल एसेसरीज के सब्जेक्ट्स होते हैं उनको इंटरनल असेसमेंट से प्रमोट कर दिया जाए। एक फार्मूले के तहत 1 जून को सरकार आएगी, अगर हालात लगा कि अभी हालात बेहतर नहीं है तो हो सकता है एक बार फिर से प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि 12वीं के एग्ज़ाम इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि 12वीं के बाद बच्चा स्कूल सिस्टम से हायर एजुकेशन में शिफ्ट करता है और हायर एजुकेशन में बहुत सारे इंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे 12वीं की परीक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उस नंबर इंट्रेंस एग्जाम्स के आधार पे उसकी आगे की पढ़ाई शुरुआत होती है। इसलिए 10वीं की परीक्षा चूँकि स्कूल के सिस्टम में रहता है, इंटरनल स्कूल के सिस्टम में रहता है और वो स्कूल उस बच्चे को शुरू से पढ़ाते आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है कि 10वीं में बच्चे छोटे भी होते हैं 12वीं की तुलना में, सो उनके एग्जामिनेशन को इंटरनल तरीके से असेसमेंट करके प्रमोट कर दिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट क्या होगा बहुत जल्द सीबीएसई पूरी इसके ब्रीफ पूरी इसके डिटेल के साथ आएगा और उसमें कितना पोर्शंस उसके प्री बोर्ड एग्ज़ाम का होगा, कितना इंटरनल असेसमेंट होगा, कितना बच्चे के शुरुआती परफॉर्मेंस होंगे, बच्चे के वाइवा हो सकता है, बच्चे के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो सकते हैं, इन सब को कैलकुलेशंस के आधार पे बच्चे को प्रमोट किया जाएगा 11वीं में। अगर इसके बावजूद भी बच्चे को लगता है कि वो ज़्यादा नंबर डिजर्व करता है तो उसे एक बार फिर से एग्जाम या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में बैठने का मौका दिया जाएगा। ये मौका कब होगा ये कोविड पे डिपेंड करता है, इसके आने वाले तारीखों में घोषणा कर दी जाएगी। प्री बोर्ड के नंबर के आधार पर जो 10वीं के छात्र हैं उनको ग्रेड किया जाएगा, ग्रेडिंग दी जाएगी, यानी कि जो प्री बोर्ड एग्जाम है जिस तरीके से परफॉर्मेंस 10वीं के छात्रों की रहेगी उस आधार पर उनको आगे प्रमोट किया जाएगा। यानी कि बड़ी खबर कुल मिलाकर यह है कि इस साल 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो 12वीं के छात्रों के लिए है, इनकी परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं, 12वीं बोर्ड परीक्षाएं होंगी 1 जून, जो कुंदन सिंह ने तारीख बताई है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है सरकार। 1 जून को फिर से सरकार बैठक करेगी और उस आधार पर तय किया जाएगा कि आगे 12वीं की परीक्षाओं का क्या करना है।